नहीं मानेंगे तो उनके लिए फिर एक गुण व्रत कम हो जाएगा, तो फिर उनको कहाँ से लेना पड़ेगा एक गुण व्रत? शिक्षा व्रत। तो शिक्षा व्रत के अंदर एक व्रत है भोगो भोग परिमाण। क्या नाम है? भोगो भोग परिमाण। तो कुछ आचार्य ने भोगो भोग परिमाण को शिक्षा व्रत में लिया, गुण व्रत में लिया। अब इसके बाद में अपना अनर्थ दंड, अनर्थ दंड किसे कहते हैं और अनंत दंड त्याग व्रत किसे कहते हैं? अनर्थ किसे कहते हैं? अनर्थ, अनर्थ हो गया, अभी अनर्थ हो गया। अर्थ, अर्थ माने अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ माने मतलब प्रयोजन, और अनर्थ, अनर्थ माने बिना प्रयोजन। तो जिससे हमारे प्रयोजन की कोई सिद्धि नहीं हो, और अनर्थ इस अर्थ में भी लिया जाता है कि अनर्थ माने बुरा हो गया, अनर्थ हो गया माने बुरा हो गया। तो प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं हो और बुरा और करे, और दंड माने दंडा और है, उसका नाम है अनर्थ दंड। तो अपने को अनर्थ दंड करना है कि करने का व्रत। तो अनर्थ, अनर्थ का मतलब जिससे प्रयोजन से आपस में लड़ी झगड़ा हो गया, थोड़ा कौन हारा कौन जीता, अथवा बैठे हैं हम, यहाँ बैठे हैं, रस्सी का एक धागा निकाला, एक रस्सी का धागा इधर से निकाला, स्वेटर बनना चालू हुई हमली से, एक घंटे बैठे और मंदिर की दरी का साफ आदत होती गई होगी, बैठे बैठे रह नहीं सकते। मेरी खुद की कजिन सिस्टर है, तो वो मेरे यहाँ पढ़ने आती थी तो चटाई रहती थी हमारे घर, तो वो पढ़ती जाती और एक चटाई का एक सिरा निकालती जाती, वो जैसे जैसे इधर सिरा निकालती अपने घर के अंदर, आज तक तो अच्छी थी, क्या हुआ? पहले दिन ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन भी ध्यान नहीं गया कि किसने की क्या की, तो तीसरे दिन सबने कहा कि भाई तुम ध्यान रखो तुम्हारे शिष्यों में जो है, देखा तो एक जना बैठा हुआ और वो तो चटे के चल गया, उसके बहुत अच्छा है। इससे क्या सिद्धि क्या हुई? कुछ नहीं, बिना मतलब की आदत, आदत से बाहर नहीं आए, क्या करें, आदत के साथ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका धागा निकालते हैं, और धागा निकलते निकलते वाले चीज पूरी निकल जाए, कि कोई किसी की ये उंगलियाँ होती ना, उंगलियाँ उंगलियाँ मटकाते रहते, पता नहीं क्या में इसका तुम्हारा कोई इससे आजीविका मिल रही हो, क्या मिल रहा है इससे? कुछ नहीं, टाइम पास, अपना भी खुद का भी, और नुकसान और कर रहे हैं। तो इससे जिससे कि हम
लौकिक में भी हमारा नुकसान करें, और पारमार्थिक नुकसान तो हुआ ही। क्यों नुकसान हुआ पारमार्थिक? तो मोक्ष मार्ग उससे दूर हो गए हम, तो ना हमारा उससे मोक्ष मार्ग सदे, ना कोई जीवन का कोई प्रयोजन सदे, और फिर भी वो काम कर घंटे पर गप्पे लगाते रहे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अब उससे मिला गया अपने को, एक घंटे बाद अपने उससे आउटपुट निकाला, इससे अपनी जिंदगी में कितनी तरक्की हुई, कुछ नहीं। तो मोक्ष मार्ग का कितना प्रयोजन सदा भी, कुछ नहीं। तो हम उसको क्या कहेंगे? अनर्थ है। क्या मतलब इससे ऐसे काम करने से? जो चेष्टाएं हैं मन वचन काय की, जिन चेष्टाओं से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता बल्कि पाप बंद और होता है, उन सब चेष्टाओं का त्याग करना को अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता है। इसलिए हमारे जीवन में हम कोई भी काम करें, हम कोई शब्द बोले तो पहले सोच के बोले कि इससे पर्पस क्या सॉल्व होगा, इससे क्या हमारा धार्मिक प्रयोजन सिद्ध होगा मोक्ष मार्ग का, अथवा क्या हमारा लौकिक आजीविका का, जॉब का, बिजनेस का पर्पस सॉल्व होगा, क्या सिद्धि होगी इससे। यदि ये फालतू है, ना हमारा लौकिक में इससे हित होने वाला है, परमार्थ में, तो ऐसे वचनों को बोले नहीं। ऐसे काया से कोई भी चेष्टा करे तो पहले विचार करे कि इससे मेरे जीवन का क्या हिताहित होने वाला है। यदि इससे मेरे जीवन का लौकिक हित भी नहीं है, परमार्थिक मेरे मोक्ष मार्ग का भी हित नहीं है, छोड़ दो। ऐसे मन में भी किसी का बैठे बैठे बुरा सोच लो, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं इसका ऐसा कर दूंगा, लेकिन तो मर चुका है, कोई बात नहीं। इस भाव में नहीं तो जिस भाव में मिलेगा, उस मर कैसे गया है, जिसको जीते जी मैंने बता रहा। अब कोई मतलब है नहीं, इनसे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन व्यर्थ में बैठे बैठे पाप का चिंतन करता करता ना? किसी से समझ लो रास्ते में आते समय किसी से गाड़ी भिड़ गई हो, दो तूता तूता हो गई हो, अभी यहाँ बैठा, अरे मैंने उसको कुछ किया ही, गलती तो उसकी थी, उसको ठीक कर दिया, मेरे को मौका नहीं मिला। अब वो जो व्यर्थ में जो जिससे कुछ नहीं सिद्धि होने वाली, क्यों? क्योंकि वो घटना घट गई, अब वो आदमी कभी मिलने वाला नहीं है, लेकिन अपने मन में चल रहा बैठे बैठे खोटा चिंतन। पड़ोसी का नुकसान कैसे हो, पड़ोसी के घर में बहुत तरक्की हो रही, दूसरे का बच्चा मर जाए, किसी की स्त्री का अपहरण हो जाए, किसी के धन का नुकसान हो जाए, मतलब फालतू का चिंतन मन मन से। अब इससे तेरा क्या बिगड़ रहा है? यहाँ समझ लो कहीं ट्रेन पकड़नी हो कहीं की, और 5-10 मिनट लेट हो रहा हो, क्यों तुम सही है? नहीं बताता हूँ, चल रहा है आ रहा है यूएस की, वो भी बताता हूँ, नहीं तो उसके बाद भी देख सकते हो। क्या क्या बात थी अपनी? ट्रेन के लिए अपने को जाना है तो अपन लेट हो गए तो अपन क्या चिंतन करते, कैसे भी करके ट्रेन न छूटे। जैसे ट्रेन में बैठे किसी की छूट रही हो तो अपने मन में क्या भावना है? छूटनी चाहिए लोगों को, टाइम पे नहीं आते। अब अपने को उससे क्या मिल रहा था? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बस सामने वाले का बुरा देख के इसको आनंद आता है। किसी की कुछ नुकसान हो क्या, खुद यदि अंदर घर में बैठा हो तो बारिश देखने में बहुत आनंद आता है, कितनी अच्छी बारिश आ रही है। तो खुद घर के बाहर हो तो अरे बाप रे बाप कैसी बारिश आ रही है। तो क्या है मतलब इससे क्या तेरे सिद्धि है? तो दूसरे का तो बुरा देखना चाहता है और खुद का भला देखना चाहता है। वो कहते हैं आचार्य कि यदि भला ही विचारना है तो पूरे संसार में सबका भला विचार, अपना बिगड़ता क्या है, अपना कुछ बिगड़ रहा है क्या? यदि पानी सबको मिले, सभी जीव सुखी रहे, किसी की ट्रेन नहीं छूटे,
किसी के पुत्र पुत्री का वियोग नहीं हो, किसी की धनहानि ना हो, किसी का अपमान नहीं हो, कोई हारे नहीं, क्या नुकसान है इससे? पाकिस्तान वाले भी क्यों दुखी रहे कि नहीं साहब उनकी टीम तो हारनी चाहिए, तो तुम्हें क्या मिलने वाला इससे, तो बताओ तुम्हारा मोक्ष मार्ग कितना आगे बढ़ जाएगा, तो तुम्हारी जिंदगी में कितनी तरक्की हो जाएगी, तुम्हारी कुछ प्रमोशन हो जाएगी, कुछ जॉब में सैलरी बढ़ जाएगी, क्या होगा? कुछ नहीं, फालतू बैठे बैठे एक घंटे एक दिन अपने पूरा बिगाड़ ये गेंद का क्या है? मतलब ऐसे जितने भी कार्य हैं आप अपने जीवन में विचार करना। देखो जीवन में तरक्की का एक सबसे बढ़िया सूत्र मैं बताता हूँ आप, जिसने अपने जीवन में समय की कीमत की और अपने हर एक समय का उपयोग या तो अपने लौकिक तरक्की के लिए किया या मोक्ष मार्ग के लिए किया, तो जिसने अपने समय का उपयोग किया दुनिया भी उसके समय की कीमत जानती है, और जिसको अपने समय की कीमत नहीं है दुनिया को भी उसके समय की कोई कीमत नहीं है। हमारा हम हर समय एक एक समय हमारा चक्रवर्ती की संपदा से भी मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती की संपदा भी देके यदि चक्रवर्ती ये चाहे कि मैं अपनी जिंदगी का एक समय बढ़ा लूँ तो बढ़ा सकता है। पूरे तीन लोग की संपदा देकर भी कोई एक समय मनुष्य भाव का चाहे तो उसको मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ऐसा अमूल्य समय हमको मिला और हम उस अमूल्य समय को काय में खो रहे हैं, निष्प्रयोजन के कार्यों में, मतलब जिससे ना हमारा लौकिक कोई तरक्की का संबंध है और ना कोई हमारा मोक्ष मार्ग का संबंध है, तो वास्तव में हमारे जीवन में दुखी दुख आने वाले हैं, सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है और ना लौकिक जीवन में कोई तरक्की होने वाली है। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि जिसको अपने जीवन में लौकिक में भी तरक्की करना हो और धर्म पर भी आगे बढ़ना हो तो उसको अपने जीवन के अंदर जितने भी निष्प्रयोजन के कार्य है आजीविका को छोड़कर और मोक्ष मार्ग को छोड़कर जितने भी काम हैं उन सब काम धंधों से उसको छुट्टी पा लेना चाहिए। दो काम करूँगा, या तो मैं मेरी एजुकेशन पे ध्यान दूंगा, फिर मेरे करियर पे ध्यान दूंगा, और तीसरा मैं अपने धर्म मोक्ष मार्ग पे ध्यान दूंगा, इसलिए अलावा मेरे को दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। क्या किसके घर में कौन मर रहा है और किसका उठावना है, और किसके घर में तीया है और किसका तेरवा है, और किसके घर में गृह प्रवेश है और किसका पलड़ है और किसका मरण है, और कौन क्या कपड़े पहन के आया है, क्या क्या कहाँ ले रहा है, इससे क्या लेना देना है तेरे को? तो अपने जिंदगी को देख, तेरे जीवन में यानी तेरी जेब में पैसा होगा तेरा काम उससे चलेगा। तू अपने जीवन को उज्ज्वल बना और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगा। हाँ, उस मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए तेरे को यदि आजीविका लगती हो कि भाई मेरा चित्त यदि धर्म में नहीं लगता जब तक मेरे पास रोकड़ा नहीं हो, तो तू रोकड़ा कमा, तेरे को रोकड़ा कमाने के लिए मना नहीं किए, लेकिन तू रोकड़ा कमाने में टाइम लेता है, तू तो अपने मनोरंजन के लिए रोकड़ा भी गवा के अपने टाइम को खोता है। खोता है कि नहीं खोता है? रोकड़ा भी देगा और तीन घंटे भी देगा, तीन घंटे साथ क्या लेके आए, तीन घंटे कषाय, कषाय कषाय कम थी पहले, अब क्या करें, अंदर कषाय पैदा ही नहीं हो रही थी, तो कुछ ना कुछ अंदर जाके लेके आए। अब हमारे अंदर में जो लड़ने का भाव है, थोड़ी एनर्जी आई है, काहे की लड़ने की एनर्जी, फलाने हीरो में जो, अरे तू तेरे अंदर में तेरे कषाय क्यों भरी पड़ी है, तेरे को जरूरत क्या है और कषाय लेके आने की? तू पैसे देके कषाय खरीद लिया, तू अपना टाइम भी बेच लिया है, अपनी मानसिक एनर्जी बेच लिया है, अपने दिमाग पाप बंद कर लिया है, मनुष्य भाव को बिगाड़ लिया है, और कह दिया मेरा मनोरंजन हो गया। अरे तेरे को दुख होना चाहिए कि मेरे तीन घंटे मैंने खो दिए, ये तीन घंटे में किसी गरीब की सेवा भी करता तो मेरे को दुआएं देता, देश में बहुत काम है ऐसे करने के, धर्म की कोई काम करता, मोक्ष मार्ग का काम करता, अपनी आत्मा को संसार से निकालने का प्रयास करता, थोड़ा सा भी प्रयास करता तो हो सकता वो बीज एक दिन वृक्ष बन जाता, लेकिन मैंने काय का बीज बोया, पाप का बीज बोया, और पाप का बीज बोया तो आगे चल के फल काय के लगेंगे, पाप के लगेंगे। बीज बोए बबूल का, आम कहाँ से है? तो इसलिए ये चीज अपन कर सकते हो, वही ये अपने लाइफ को सिस्टमेटिक बनाने के लिए आप अपने मन वचन काय को उसी काम में इन्वॉल्व करो जिससे कि कोई फ्रूट मिले। फ्रूटलेस एक्टिविटी में अपने आप को मत डालो, इसका नाम है अनर्थ दंड त्याग, जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। फालतू में झगड़ा, अब रास्ते में गए दो बातें बोल दी किसी ने, बोल दी तो बोल दो, आगे बढ़ो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, अपना कुछ नहीं बिगड़ा। क्या अपन यदि उससे व्यर्थ में उलझते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं, मतलब कोई भी मन वचन काय की चेष्टा जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता,
क्षण भर का कोई मान पेशा है कि सिद्धि भी हो जाए, लेकिन वास्तव में उससे कोई परमानेंट मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो कहते हैं उस काम को छोड़ दो। रत्नकरण शावकाचार्य ने इतना ही लिखा है कि दो काम काम के रखें, दो जिंदगी में दो चीज़ों का ध्यान रखना। कौन कौन सी, सबको याद होगी, मैं बताई होगी पहले सब बातें, नहीं बताई? पुरुषों की कलाएं कितनी है, पुरुषों में कितनी कलाएं, कलाएं नृत्य कला, भाषण कला, वादन कला, युद्ध कला, वो भी होती कितने लोगों में? बहुत्तर तो गुण होते हैं। कलाएं कितनी होती है, पुरुषों की 64 कलाएं होती है, स्त्रियों में 8 एक्स्ट्रा होती है, स्त्रियों में होती 72 और पुरुषों में होती है 64, पुरुषों की 64 कला। अब ये 64 कलाएं तो हम कौन कौन सी करें, कलाएं तो बहुत है, तैराकी की भी कला है, पेंटिंग भी कला है, डांसिंग भी है, कैलीग्राफी भी है, बहुत सारी कला है। गर्मी की छुट्टियाँ होती है ना, बच्चे अच्छे छुट्टी बच्चे अच्छे फ्री रहते हैं, तो बच्चे अच्छे रूम में माताएँ कहाँ भेजती है, प्राय काम करो तुम पेंटिंग की चार चलो, पेंटिंग एक को ड्राइंग, पेंटिंग ड्राइंग डांसिंग, कुछ कुछ बचा है स्विमिंग। अब पाठशाला का तो बेचारे बच्चे का समय का पाठशाला, पाठशाला क्या करेगा, तो काम तो है ना पाठशाला, पाठशाला यही करता रहेगा पेंटिंग ट्रेंटिंग। और तो लोग शिविर लगाते हैं ना धर्म के शिविर, तो धर्म के शिविर में एक क्लास उसकी भी होती है पेंटिंग की। मैंने कहा वाह, पूरी दुनिया तो पेंटिंग की क्लास ले रही है और धर्म के अंदर भी पेंटिंग घुस जाएगी, तो फिर धर्म के अंदर धर्म कैसे शेष रहेगा, फिर यही सब चीज़ें आ जाएगी। कम से कम एक जगह तो इसे छोड़ दो, धर्म में सिखाया जाता पेंटिंग की क्लास, उसकी क्लास। बोले साहब माएँ पेंटिंग के नाम पे भेज देती है, तो वो ऐसी माओ को भी मिलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी माओ के बच्चों की भी, उन माओ के बच्चे क्या उद्धार करेंगे जिनको पेंटिंग के कारण से आना। अपने तो ऐसे आदमी चाहिए जिसको वास्तव में जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाना हो, आउट ऑफ द बॉक्स जिसकी थिंकिंग हो। पूरी दुनिया जो कर रही है जैसे सारी भेड़ें जा रही है, हम भी उसी भेड़ में जाएं, जाए तुम भी उसी भेड़ में, सारी भेड़ होती है ना, भेड़े भेड़ चाल देखी नहीं आपकी दुनिया में, भेड़े होती है सब एक के पीछे एक, एक कटती है उसी भेड़ से, ये सब झिलम हो रहा है भेड़ों को, भेड़ को कैसा काटा गया, वो खुद आगे की आगे खड़ी है, अगला नंबर उसका है, लेकिन वो दूसरी भेड़ को देखती शांति से, ओहो उसको मारा गया, वो कुछ नहीं करती कोई बात, इसको मारा जा रहा है, अपन तो कितने भाग्यवान है देखो कि अपने को कोई नहीं मार रहा, अपनी लाइन में खड़ी हुई है, उसको पकड़ के मारते तब उसको समझ में आती है अरे बाप, वो पीछे वाली भेड़ जो होती ना वो खड़ी होती देखती रहती है ओ ये अभी नहीं थी चली गई मर, नहीं इसको खुद को समझ नहीं आती कि ये गति मेरी है। तो वो भेड़े बने एक भेड़ बाप ले जाओ तो सारी भेड़े उस दिशा में अपने आप आ जाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको अक्कल होती इतनी कि यहाँ क्यों जा रही है, तो जाती क्यों इसी दुनिया में, जो चाल है कौन सी है भेड़ चाल, अपनी अक्कल कोई नहीं लगाता कि ये जो काम है इस काम में वास्तव में मेरी क्या सिद्धि होगी, मेरा कोई धर्म का सिद्ध होगा, मेरी कषाय कम होगी, मेरे पाप कम होंगे, मेरी विशुद्धि बढ़ेगी, मेरी आत्मा की शुद्धता बढ़ेगी, क्या होगा, पुण्य बंद होगा पाप बंद होगा, इससे क्या मिलने वाला है, हमको तो करना है सर। नई मूवी आई है बाजार के अंदर, सबने कहा बहुत अच्छी है, तो सबने देखी, हम ही अकेले बच्चे अब हमको भी देखने जाने पड़ेगा। आप मालूम है मैं वहाँ पे जहाँ अमेरिका में रहता था, तो वहाँ पे मेरे साथ तीन, हमारा एक जो अपार्टमेंट था उसमें तीन लड़के और रहते थे और तीनों नॉन जैन थे, एक तो बॉम्बे का था और दो अलग अलग जगह के थे। मैंने एक बात कही उन लोगों से, मैंने कहा अपन काहे के लिए आए हैं, अपन यहाँ इस अमेरिका में यहाँ आए हैं, आए काहे के लिए, तो अपन मुझे पढ़ने के लिए आए हैं, अभी एज के टाइम पढ़ाई कर, मैंने कहा देखो अपन पढ़ाई के लिए आए हैं तो अपन पढ़ाई कर ली, पहले फिर अपने को ज़िंदगी मिली है जो करना हो कर लो, तो 1.5 साल में रहा उनके साथ, 1 साल लग गया, लेकिन एक चीज़ मैंने कही, मैंने कहा तुमको जो करना हो करो, अपने बाहर जो भी लेते, लेकिन अपन अपने कमरे के अंदर अपने अपार्टमेंट में टीवी नहीं लेके आए। उन तीनों ने मानी बात, जब तक कम से कम मैं रहा तब तक हमारे अपार्टमेंट में टीवी नहीं आई, मेरे जाने के बाद उन्होंने क्या किया वो जाने, और यहाँ तक कि एक था कुलकर्णी, तो हम लोग हर सैटरडे संडे क्लास करते थे,
तो कुलकर्णी बैठता था, चंचोलिया था वो बैठता था, तीनों अजैन थे और तीनों नॉन जैन बैठते थे क्लास में, और भी लोग आते थे जैन। अच्छी चीज़ है कुछ सीखेंगे इसमें। तो मैंने कहा, मेरे को एक बार वहाँ देख के विचार आया, मैंने कहा आप जैनियों को पढ़ाना छोड़ के अपने को अजैनियों को पढ़ाना चाहिए, कम से कम ये अच्छी चीज़ सुनने को उत्सुक है। और ये तो जैनी तो ये एक से एक महापुरुष हो गए थे सर, इसलिए कम से कम उसको ये विवेक हो गया कि भाई अपन कोई भी काम करो तो सोच समझ के ऐसा करो जो जिंदगी में अपनी तरक्की के लिए हो, मोक्ष मार्ग के लिए हो। साहित्य अच्छी चीज़ पढ़ने की रुचि थी, तो इसलिए ये चीज़ जो है लगभग मेरे को खुद को 20-22 साल हुए होंगे, 19 साल। तो ये दो चीज़ों का सबसे पहले जैसे धर्म की रुचि लगी, दो चीज़ मैंने छोड़ी। कौन सी? एक तो छोड़ी थी टीवी, सिनेमा, ये जितनी भी चीज़ें इसका त्याग। दूसरा चमड़े की चीज़ थी उस समय, तो चमड़े के जूते इसका त्याग। हमारे को दो नियम दिलाए थे पंडित जी उस समय, भाई ये नियम तुमको जीवन भर लेना है। दो नियम लिए, लेकिन उन दो नियम से एक नियम तो ठीक है चमड़े के जूते का त्याग तो, लेकिन वो जो टीवी का त्याग था, वो टीवी के त्याग ने इतने समय की बचत करी कि उसकी वजह से स्कूल की पढ़ाई भी पढ़ सके और धर्म की पढ़ाई भी पढ़ सके। अब लोगों को टाइम नहीं मिलता है, माएँ की शिकायत होती है कि हमारे बच्चे को टाइम नहीं है स्कूल की पढ़ाई का भी। मैंने कहा तुमने क्या पढ़ाई पढ़ी होगी जो पढ़ाई हमने पढ़ी है, तुम्हारे जैसे बच्चे तो नौकरी के लिए आते थे, लेकिन उसका कारण ये है कि तुम्हारे बच्चे का चित्त 10 जगह उलझा हुआ, और हमारे समय में जो पढ़ाई पढ़ी जाती थी तो चित्त इतनी जगह उलझता नहीं था। उस समय ना चैनलें होती थी इतनी बच्चों की, और ना इतनी टीवी का प्रसार था, तो उनका चित्त स्थिर होता था। अब चित्त की अस्थिरता के कारण 10, तो उसका चित्त इतना डोलता रहता है कि उसका एक जगह मन नहीं लगता। माँ बैठी हुई रहती पढ़ाने के लिए, तो पढ़ 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 पढ़, और माँ ही पढ़ लेती पाठ, बच्चे तो नहीं पढ़ लेते। उसका कारण ये कि वो उसने इतना अपने आप को फैला लिया है कि वो एक जगह स्थिर नहीं है, और जिसका चित्त स्थिर नहीं है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जिसके गोल नहीं है लाइफ में कि मुझे कुछ करना है, वो क्या करे? उसको तो टीवी देखनी है बस, मम्मी टीवी देखने का टाइम बताओ आपका, हो गई मेरा होमवर्क हो गया, वो तो टीवी देखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ सिनेमा देख लेगा, 5 इंद्री के थोड़े बहुत भोग भोग लेगा, और ऐसे ही 2-5 रुपये ज़्यादा कमा लेगा और ज़िंदगी पूरी कर लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं उसका। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सी? कलाएं तो बहुत सारी है, लेकिन कितनी कलाएं महत्वपूर्ण है? दो। कौन कौन सी? एक जीव की जीविका, एक तो मनुष्य की आजीविका, और दूजी जीवोद्धार, दूसरी क्या? जीवोद्धार। पुरुषन की 64 कला, तामे दो ही साल, एक जीव की जीविका और दूजी जीवोद्धार। क्या मतलब तो समझ में आया अर्थ क्या है काम? एक तो जीव की आजीविका और दूसरा जीवोद्धार, इन दो में एक में भी कमी होगी तो श्रावक जीवन में बाधा आए बिना रहेगी। मुनिराज के लिए तो एक ही है, कौन सी? जीवोद्धार। एक अपने लिए एक नहीं है, चित्त स्थिर नहीं होगा यदि दूसरा नहीं होगा, कौन सी नहीं होगी? तो आजीविका। आजीविका की स्थिरता कर ले, आजीविका इतनी मतलब अपने लिए भोजन मिल जाए, किसी से मांगना ना पड़े, याचना नहीं करना पड़े, किसी से पैसा नहीं मांगना पड़े। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमको किसी के आगे अपना हाथ फैलाए बिना। और ये डिसिप्लिन नहीं रहा अपने, उसने बिना प्रयोजन की मनोचन काय की चेष्टाएं की, व्यर्थ में अपने समय की बर्बादी की, पाप को बांधा, तो वो तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये पिक्चरें देखना, फोकट के नाटक देखना, और भी गप्पे लगाना, घंटों इंटरनेट पे टाइम खोटी करना, ये सब व्यर्थ बेकार। इससे प्रयोजन क्या है? प्रयोजन विचार करो, इससे क्या पर्पज सॉल्व होता है जिंदगी में? कौन सी ग्रोथ होती है, प्रमोशन होता है? इससे अच्छा तो हम कुछ पढ़ाई करते, मेहनत करते, तो कम से कुछ होता। तो इसलिए कलाएं दो है, कौन कौन सी?
एक जीव की जीविका और दूजी जीवोद्धार। बाकी तुम भले 10 कलाएं जानते हो, नृत्य कला आती हो, भाषण कला आती हो, गायन कला आती हो, वादन कला आती हो, पर आजीविका नहीं होगी तो क्या होगा? और आजीविका भी होगी वो मोक्ष मार्ग में नहीं लगा होगा तो भी क्या फायदा है, क्योंकि आजीविका काहे के लिए की जाती है? आजीविका आजीविका के लिए है कि आजीविका मोक्ष मार्ग के अंदर रहने के लिए? क्यों आजीविका अपन धर्म के लिए कर रहे हैं कि धर्म करके आजीविका कमाना है अपने को? मतलब आजीविका का भी प्रयोजन क्या है? आजीविका का प्रयोजन यह है कि हमारा चित्त धर्म में स्थिर रहे। जैनी पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं कमाता, जैनी धर्म में लगे रहने के लिए पैसा कमाता कि मेरा धर्म चलता है, हाथ नहीं फैलाना पड़े, चित्त अस्थिर नहीं हो। मंदिर में बैठा हो ये चित्त ले, अब आज खाने को क्या होगा, कपड़े मिले कल कपड़े क्या होगा, आज कपड़े फट रहे हैं कल क्या होगा, वो कहाँ जाऊँगा मैं, इसके बाद मंदिर के बाहर जाऊँगा तो मैं जब कहा बैठा नहीं रह सकता, वो माला नहीं फेर सकता है। इसलिए कहा कि चित्त स्थिर हो जाए उसके लिए, और बस हो गया ना स्थिर, अब चिंता मत कर, अब छोड़ दे, तेरा एक मकान है ना, तेरे को ये चिंता तो नहीं करनी पड़ती कि इसके बाद कहाँ जाऊँगा, वो खाने को क्या होगा, वो कपड़े का क्या होगा, ये तेरे को तीन चीज़ की चिंता नहीं है, अब तू ज़्यादा चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि अब इसके बाद कोई अंत नहीं है। यदि तेरे को ये तीन चीज़ें मिली है तो अब तू निर्विघ्न रूप से स्वाधीन रूप से धर्म आराधन कर, क्योंकि अब तेरी आजीविका का प्रयोजन सिद्ध हो गया है। अब तू कौन सा प्रयोजन कर? मोक्ष मार्ग का प्रयोजन कर, क्योंकि आजीविका का प्रयोजन भी क्या है? मोक्ष मार्ग को सिद्ध कर। अपन खाना खाते हैं काय के लिए? खाने के लिए। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए। अपन कौन से तरह के लोग हैं भैया? नितिन जी सोच समझ के जवाब देना, उल्टा समझाओ बता। अपन खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, किसके लिए करते हैं? जीने के लिए खाते हैं, बराबर है कि खाने के लिए जीते हैं? रोज सुबह शाम खाएं पिए, किसके लिए जीते हैं? खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि खाने के लिए जीते हैं, तो कितने लोग का कहना है कि जीने के लिए खाते हैं? समझ में आ गई? ऐसे कितने लोग हैं जो आजीविका धर्म के लिए आजीविका कमाते हैं, और कितने हैं कि जो आजीविका धर्म के लिए आजीविका कमाते हैं और आजीविका के लिए धर्म करते हैं? आजीविका के लिए भी धर्म करा जाता है। रोज सुबह शाम भैया मंदिर में मंदिर भगवान को पूरा पूजा पाठ करेगा, पहले भगवान को पहले ही सुबह शाम दिलाया, भगवान का ध्यान नहीं रखो फिर तो अपना पता नहीं क्या करें। इसलिए मैं भगवान की सबसे पहले ध्यान रखता हूँ सुबह, भगवान की ध्यान हो गई फिर अपनी ध्यान। तो क्यों? क्योंकि भगवान की ध्यान रखो तो भगवान अपनी ध्यान रखता है। अभी तो जैसा देना वैसा लेना, अपन ने 2 घंटे भगवान का कर लिया, अब 8 घंटे वो करेंगे। अपन काय के लिए कर रहे हैं ये सब? 8 घंटे के लिए। और दूसरा ऐसा है कि वो 2 घंटे उसको मिले हैं तो उसको ये कि 2 घंटे भी और बढ़े तो 2 घंटे में निराकुल रहूं, इसके लिए मेरे को 8 घंटे जाना पड़ता है। तो एक को तो 8 घंटे जाना पड़ता है और एक 2 घंटे करना पड़ता है, 2 घंटे भगवान को पसंद करना पड़ता है कि तो 8 घंटे पता नहीं अपनी रोजी रोटी भी चले कि नहीं चले। तो दोनों काम तो दोनों ही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन दोनों के सोच में अंतर होने से एक का पाबंद है और एक को ऐसा तीन पाबंद नहीं, बल्कि वो हटना चाहता है, उसकी रुचि नहीं है 8 घंटे काम करने की। वो तो क्या चाहता है कि मेरे को करना पड़ रहा है क्या करूँ, मन तो ऐसा है कि 8 घंटे ही मेरा धर्म ध्यान में लगाओ। और दूसरा है क्या करें भैया, 2 घंटे भगवान का भी ध्यान रखना पड़ता है, अब मंदिर बना रखे हैं लोगों ने तब क्या करें, उसकी भी ध्यान रखनी पड़ती, भगवान सूखे ले जाएंगे पूजा नहीं की तुमने, ये वेदी सूखी नहीं जाएगी। अब वेदी पहले कि लोग इतने बना जाते थे, इतने मंदिर बना गए, कुछ खबर तो है ही नहीं कितने लोग हैं, मंदिर तो बना दें। तो वो एक को तो मंदिर करना भी कष्टकारी है और मंदिर भी इसलिए कर रहा है कि भगवान उसका ध्यान रखे, अंतर है ना दोनों। देखो आगे चलते हैं, अनंत दंड के 5 भेद हैं। अपन वैसे इसमें 5 इसमें 3 में आ जाएंगे,
देखो एक तो है मन वचन काय की अशुभ चेष्टा है ना, एक तो मन से संबंधित, एक वचन से संबंधित है और बाकी काया से संबंधित समझ लो। जैसे मन से संबंधित, मन से संबंधित माने मन में ऐसी चीजें सोचना जिसका ना हमारे लौकिक तरक्की से संबंध हो और ना मोक्ष मार्ग से संबंध हो। वास्तव में लौकिक तरक्की को भी छोड़ दो, चीज तो एक ही है अपने जीवन में, उद्देश्य तो अपना क्या है, मोक्ष मार्ग। जिन चीजों का हमारा मोक्ष मार्ग से कोई संबंध न हो, अब आजीविका को भी अपन इसलिए ऐड कर लेते हैं कि आजीविका भी हम काहे कमा रहे हैं, मोक्ष मार्ग, तो आजीविका भी जोड़ लो। तो जिन कार्यों का ना आजीविका से संबंध हो ना मोक्ष मार्ग से संबंध हो, ऐसी चीजों को मन में सोचना बैठे बैठे। ये जो अपन नाटक वगैरह देखते हैं या जो भी चीज देखते हैं पिक्चर वगैरह, तो इसका केवल 3 घंटे खराब होता है ऐसी बात नहीं है। जब अपन देख के आते हैं ना उसके बाद दिमाग चलता है, वहाँ ऐसा हो लोगों को पिक्चर की पिक्चर याद होती है सालों बाद भी, वो दृश्य याद होते हैं लोगों से, और कहो तो वो वैसे के वैसे स्टाइल में सुना भी नहीं आपको। चित्त में कितनी चीजें कचरा भरा हुआ है सोचो आप। जब तक दिमाग में चीज चलती रहेगी, सोच चलता रहेगा उस बारे में, तब तक उसको पाप बंद होता रहेगा। बोला बोलने के बाद भी दिमाग में तो है ना, ये किया ऐसा किया, चित्त में बना है कि नहीं। जैसे कोई पिक्चर देख के आया चित्त में है, अरे उसने ऐसा किया ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, ऐसा क्यों है वो, ऐसा क्यों हुआ। अब उसने तो पैसे लिए, उसने उसका तो काम खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग तो चलता रहा ना, ये हुआ तो ऐसा हो गया, वो हुआ तो ऐसा, तुम्हारे क्या लेना देना उससे। सामने वाले ने सबने अपने अपने पैसे लेके आनंद उठाए मजे में, एक उन्होंने अपने चित्त में ख्याली पुलाव बनाए और वो तुमको बेचा और तुमने खरीद लिया सारी उसकी टेंशन। दूसरे के चित्त का कोई विकल्प, कोई कल्पना जाल उसने बनाया, जो भी ऐसा था और फलाना ऐसा था और तो ऐसा, उससे क्या लेना देना है। अपनी असली जिंदगी को देखे कि नकली जिंदगी को देखे, किसको देखे बताओ। लोगों के असली सास बहू के झगड़े ही नहीं पड़ रहे, नकली देखे एक से तुम अपने घर से भी निपट लो, तुम फिर पड़ोसी के देख लेना उसके बाद। अपने घर की चिंताएं कम क्या थोड़ी बहुत, यदि आप लोगों को कम हो तो बताओ, बहुत दुनिया में बहुत सारी चिंताएं, अरे अपनी घर की चिंताएं भी समझ रही है और अपन दूसरों की चिंताओं को भी अपने दिमाग में ओढ़ के आ रहे हैं, तो उनकी चिंताएं जिनको कि पैसा मिला है उससे। इसलिए एक तो मन संबंधित, उसका नाम है खोटा ध्यान। क्या ध्यान है, अब ध्यान मैंने खोटा ध्यान, देखो खोटा ध्यान में क्या है, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, काहू की धन हानि किसी के पैसे का नुकसान हो जाए ऐसा चिंतन करना, किसी जय हार कोई जीत जाए, ये टीम जीत जाए ये हार जाए ऐसा चिंतन करना, तो वो अनर्थ दंड त्यागी नहीं करता ऐसा चिंतन। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, क्या कहा, काहू की धन हानि यानी किसी के धन की हानि का चिंतन नहीं करता, वो किसी की जय और पराजय का चिंतन नहीं करता, कोई जीत जाए कोई हार जाए ऐसी उसकी सोच ही नहीं होती। और भी बहुत सारे लगा लेना, किसी का कुछ भी बुरा हो जाए तो ऐसा मन से खोटा नहीं सोचना, वो किसका त्याग होगा, अप ध्यान, अप माने खोटा और ध्यान माने चिंतन करना, खोटे चिंतन करने का नाम है अप ध्यान। तो मन में व्यर्थ में खोटा चिंतन नहीं करना, यह अनर्थ दंड का एक भेद का त्याग है। दूसरा क्या है, पापोपदेश, फ्री में एडवाइजर, फ्री में एडवाइजर बनते हैं, एक काम करो तुम्हारा घर ऐसा कैसा कैसा सूखा पड़ा है, एक काम करो एक गार्डन बनाओ अच्छा ऐसा सुंदर लगेगा तुम्हारा घर, लोग देखने आ जाए। अब गार्डन तेरे घर के अंदर है सो है, तूने दूसरे को गार्डन लगाने का उपदेश दिया, अब गार्डन लगाने में हिंसा होती है, अहिंसा, तुम्हारा बिजनेस क्या है, एक काम करो शराब की दुकान खोलो, बहुत इनकम हो उसमें, अथवा फलानी जगह पे पशु पक्षी बहुत मिलते हैं, वहां से पशु पक्षी ले आओ यहाँ लाके बेच दो, ऐसा उपदेश दो। अथवा किसी जगह पे दास दासी बहुत सस्ते मिलते हैं, तो एक काम करो वहां के दास दासी ले आओ,
बच्चों को लिया, तुम तो बच्चों को रखो, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, ज्यादा पैसे भी नहीं मांगते, चुपचाप काम करते रहते, चाइल्ड लेबर। तो ऐसे उपदेश है ना पाप के, अब तेरे को क्या मिल रहा है उससे, तू खुद ही पाप कर रहा है, वो बहुत था, तू दूसरे को पाप का उपदेश है। अभी सब पुण्य बंद होगा कि पाप बंद, और तकलीफ भी पड़ सकता खुद भी, खुद बड़ी कदाचित कुछ गड़बड़ हो गई तो लोग उसको याद करेंगे, किसने कहा था अपने को, उसने चलो उसके पास। फ्री एडवाइजर कभी नहीं देना, और वो भी पाप की फ्री एडवाइस एक चीज की दे सकते हैं, काहे की धर्म, धर्म की तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी अपना तिरस्कार कर दे कोई बात कर दे, हमारा क्या जाए, हमने तो अपनी तरफ से कह दी अच्छी बात, क्यों, क्योंकि कदाचित तेरे को कभी भी लगेगी, जिस समय अच्छी लगेगी, जिस समय तू विचार करेगा तो तेरे को समझ में आएगी कि हमने कितनी अच्छी बात की, लेकिन ये पाप की बात तो जिस समय तेरा बुरा होएगा तो तू हमको याद करेगा, इसलिए कभी भी पाप का उपदेश नहीं देना। देन सो उपदेश होए अग, अग माने पाप, वनिज किसी को व्यापार का, खेती करने का, धंधे का, इनका उपदेश नहीं देना, कोई पाप का उपदेश नहीं, जिसको ये दुनिया ही कर रही है, किसी को बताने की जरूरत तो ही नहीं है, पाप की ये पाप करो, ये धंधा करो, सब एक्सपर्ट है, इसलिए ये काम नहीं करना, अपने को व्यर्थ में इससे पाप का बंद होता है और अपने मोक्ष मार्ग में कोई सहायता नहीं मिलती। जैसे तीसरा है ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्या में पानी ढोल रहे हैं, आग जला रहे हैं, व्यर्थ में भूमि खोद रहे हैं, पंखा चल रहा है तो चल रहा है, वनस्पति का छेदन भेदन चल रहा है, दो इंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही तो हो रही है, कोई चिंता नहीं, पंखा अपने हमें पंखा बिल्कुल चलता रहता है, पंखा बंद नहीं करेगा, बार बार बंद चालू कितनी तकलीफ पड़ती है, चलते रहते, तुम्हारे क्या बिजली खर्च होगी तो हो जाएगी, पैसा किसने कमाते, बिजली के लिए तो कमा रहे, सोच होती लोग क्या लगेगा, व्यर्थ में मैंने निष्प्रयोजन प्रमाद चर्या करता, चल रहे हैं पैदल चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं कुछ पता ही नहीं, जा रहे बिना देखे चल रहे हैं, चल दिए जैसे भी, मतलब प्रमाद रूप माने अयत्नाचार रूप प्रवर्तन, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विरादे, माने प्रमाद रूप प्रवृत्ति करके, अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति करके, बिना देखे वाले पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति का इतनी हिंसा करना, वो पाप बनने का कारण। मॉर्निंग वॉक शरीर के लिए जरूरी हो तो बात अलग, इससे अच्छा तो मॉर्निंग वॉक की जगह अपने को मंदिर वॉक कर लेना चाहिए, मंदिर के लिए वॉक, वो भी तो मंदिर की वॉक तो देव दर्शन के लाएगा, तो मॉर्निंग वॉक पाप बंद का कारण के लाएगा, यहाँ के काम करा करो, यहाँ से रामचंद्र नगर के दर्शन, रामचंद्र नगर वाले बोला उनके दर्शन की क्या कोई दिक्कत, दर्शन करेंगे तो पुण्य बंद होगा, और मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे कि दौड़ रहे हैं, धर्म ध्यान का उसमें थोड़ा गोल रख लेना चाहिए अपने को कि ये करो, और प्रमाद रूप चर्या तो बहुत करते, गैस जला दी, चली रही आराम से, क्या बहुत गैस है, एक टंकी और पड़ी है, ये प्रमाद रूप चर्या है व्यर्थ पाप बंद करने वाले। अगला क्या है, हिंसा दान, हिंसा का भी दान दिया जाता है, जो हिंसा दान दिया जाता है, हिंसा का दान कौन लेगा, हिंसा का दान मैं देता हूँ आपको, हिंसा का दान हिंसा देने जैसी चीज है जो हिंसा का दान दिया जा सकता है, हिंसा दान का मतलब क्या है, हिंसा के उपकरणों का दान देना, पड़ोसी मांग रहे तेरे घर में चाकू है ना, चाकू दे दे, नहीं दे सकता त्याग व्यक्ति तो दे नहीं सकता, चूहे का पिंजरा मांगने आ जाए, रस्सी मांगने आ जाए, तलवार कुछ भी चीज मांगने आ जाए, हिंसा के उपकरण जिसके जिसका उपयोग काहे के लिए होता हो, हिंसा के वो नहीं दे सकते, जहर मांगने आ जाए, पॉइजन की गोली अब खा लेगा तो तुम्हारे माथे आएगा, ऐसी चीजें दे नहीं सकते, चाकू भी ले जाए वो किसी को छोप जाए, वो वहाँ चाकू पड़ा ले जाए तो कौन अंदर होगा मालूम है, चाकू जिसका मालिक था वो,
ऐसे ही ऐसे रस्सी रस्सी सबकी चीजें ऐसी है, रस्सी चाकू रस्सी सभी, फांसी लगा लो, रस्सी ले जाए तुम्हारे घर पे कि मेरे को तो कपड़े सुखाना है, और कपड़े सुखाने के लिए खुद ही सूख जाए क्या कह रहा था। इसलिए आचार्य ने बहुत सावधानी से एक एक चीज कही कि भाई तुम बहुत जीवन में सावधानी पूर्वक रहो, इसको देख के तुम यश वश की इच्छा मत करो, नहीं मांगने आया मना कर दो कोई बात नहीं, तुम्हारी निंदा ही करेगा ना कर लेना। टेढ़े बुलाने में क्या चक्कू पड़ रही है, अरे बाप रे बाप, ये तो महापुरुष हो गए लोग, टेढ़े बुलाने में चाकू आने लगते कल से कोई तलवार ही काटने लग जाए, चाकू देने वाले की बुद्धि पे तरस है मेरे को तो, अब क्या कह सकते हैं भैया है जेल जेल लेने वाले भी ऐसे ही चाकू कोई लेने की चीज है किसका करना है उसको लेने के लिए ये चीज मिली, कोई जिनवाणी जरूरत है, बहुत चीजें धर्म की लेने की, ऐसी चीज नहीं देना भैया। वो चक्कू जिन जिन महिलाओं ने लिया है, कभी किसी को गुस्सा आया महिला को, उसने बच्चे अच्छी है किसी पति पे लगाया, तो वो चक्कू जिसने बांटे ना सब लोग उसको याद करेंगे कि चक्कू यही कही है, इम्पोर्टेंट क्वालिटी का। हिंसा के उपकरण देखो, जिसका उपयोग हिंसा में होगा, अपने कोई भी चीज देनी भी हो कभी किसी को, तो ये सोचो कि इसका उपयोग वो कायम करेगा। चार पेड़े दिए, पेड़े से क्या होगा, खा लेगा साफ, लेकिन जो चीज उसके जीवन में जीवन पर्यंत धर्म के लिए काम आए वो चीज देगा। चप्पल पहनेगा चप्पल पाँव में लेगा, और क्या लेगा, कोई भी चीज हो, ये तो खैर ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, इसमें हिंसा नहीं चप्पल में और गुलाब पेड़ वगैरह, लेकिन जो हिंसा में जो काम आए जो चीजें जिसका उपयोग ही काटने पीटने के लिए हो वो चीज नहीं दी जा सकती। अंतिम में दुश्रुति, दुश्रुति का मतलब क्या है, खोटा सुनना, राग द्वेष करता कथा कब हो न सुनी, राग द्वेष करने वाली कथा नहीं सुनेगा, जहाँ दो जने बात कर रहे हो जिससे राग द्वेष अपने को बढ़ जाए तो ऐसी कथा सुन नहीं सकता। अच्छा सुनेगा नहीं तो बोल सकता है कि नहीं, देख सकता है कि नहीं, नहीं। गांधी जी ना, गांधी जी के कितने मंदिर है, तीन, अपने भी तीन मंदिर है, कौन कौन से, राग द्वेष करता कथा कब हूं न सुन लीजिए, राग द्वेष करता कथा कब हूं न बोलीजिए, और राग द्वेष करता कथा कब हूं न देखीजिए। क्या अर्थ है, राग द्वेष को करने वाली, राग द्वेष को बढ़ाने वाली, कषाय बढ़ाने वाली कथा को न देखना न सुनना न बोलना, जिन कथा से राग द्वेष बढ़े, आपस में कषाय बढ़े, राग और द्वेष में दोनों ही, राग भी बढ़े और द्वेष भी बढ़े, ऐसी कथाओं को सुनने का देखने का बोलने का त्याग, तो क्या कहलाएगा, दुश्रुति। अथवा अन्य मतावलंबियों की चीजें सुनना, जैसे कई लोग सीरियल देखते अन्य मत के, नहीं हो तो जय महादेव जो भी सीरियल आते हैं, मेरे को नाम नहीं मालूम किसी के, धर्म की क्या है इसमें, तो वो धर्म के नहीं है वो, उसमें मिथ्यात्व और विषय कषाय का पोषण होता है और कुछ नहीं है ना, रामायण है महाभारत है, रामायण में किसका पोषण होता है, विषय कषाय, महाभारत में विषय कषाय, उसमें रामचंद्र जी को मुनिराज बनाया अपनी सब ने रामायण देखी नहीं देखी, उसमें रामचंद्र जी मुनिराज बने अंत में, और कोई बना कोई भी एक भी पात्र कुछ नहीं, महाभारत कुछ नहीं, बल्कि और राग द्वेष सिखाया उन्होंने, तो ये सब दुश्रुति खोटा सुनना, इसलिए पांच प्रकार के अनंत दंड का वो त्यागी होता है। देखो तो अपन ने बात की ना, अब ध्यान माने मन में खोटा विचार, किसी की हार जीत का चिंतन करना, किसी की धनहानि का चिंतन करना, पड़ोसी की बुरा करने का चिंतन करना, किसी की पत्नी मर जाए, किसी के बच्चे मर जाए, किसी का बच्चा फेल हो जाए, मेरा बच्चा पास हो, इसे खोटा चिंतन। और ये स्थूल है, ये सब करते रहते लोग, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच देखते समय देखो कर्फ्यू लग जाता है जेएनयू की कॉलोनी में, जेएन कॉलोनी में जाके
जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के अंदर मैच हो रहा होता, हर आदमी और तो माल मंदिर माँ माला वाला फेर तो लग जाए दो बार लगातार कि ये गेंद आखिरी है, उसको छक्का पड़ना चाहिए। देखे मैंने लोग नमकान की माला फेरते हुए, काहे के लिए हिंदुस्तान जीत जाए इसके लिए, मंदिरों में पोस्टर तक लगते हुए देखे क्या हिंदुस्तान की जीत के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं अपने, आपको पता ही नहीं है क्या है अपन देश कितना तरक्की की चुका है, जैनियों ने कितनी तरक्की की है इन अन्य मतावलंबियों के साथ रह रह के उन्होंने सारी चीज़ें सीख ली। पानी नहीं आए, पानी नहीं आए ना, जैनी लोग भी सारे यज्ञ विधान जितने भी सब करना चालू करें, ये सारी अन्य मतों में प्रवृत्ति थी, क्योंकि उनके जितने धर्म अनुष्ठान किए जाते हैं वो लौकिक प्रयोजन के लिए किया जाते, और अपने धर्मानुष्ठान लौकिक प्रयोजन के लिए नहीं बल्कि लौकिक वृत्ति छोड़ के मोक्ष मार्ग के लिए किए जाते। पानी नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, हमारे क्या लगा, अपन कभी पानी आने के लिए कभी कोई विधान नहीं करते। जैनी लोग कभी पानी ला देंगे भक्ता मर्जी का विधान करें, अपनी आत्मा की शांति के लिए आदिनाथ भगवान की स्तुति के लिए करेंगे। आदिनाथ भगवान हमें बहुत प्रिय है, उनके गुणों में बहुत अनुराग है, उनके गुणों में अनुराग पूर्वक हम भक्ति करेंगे, लेकिन उसका प्रयोजन ये नहीं होगा हमारे जीवन में कि उससे पानी आ जाए। आए तो आए, नहीं आए अपनी क्या कर सकते, उसका प्रकृति की चीज़ है क्या। ऐसे कोई भी चीज़ हो रही हो, मतलब ये जो भी राजनीतिक सामाजिक जो चीज़ें होती है उसके लिए अपन ये नहीं काम नहीं करते। ऐसे ही पापोपदेश, वचनों द्वारा पाप करने का कहना है किसी को कि तू पाप कर, पाप उत्पन्न करने वाले व्यापार का उपदेश, खेती का उपदेश, तीव्र पाप जिसमें हो, अरे और तो किसी को शादी ब्याह का उपदेश, तू कहाँ अकेला बैठा है, तो वो तो यूँ ही कर लेगा, तुमको बोलने की जरूरत है। जिसको करना है, जिस भी तुम्हारे को शादी करना है वो खुद ही जाके कर लेगा, तुम्हें उसको उसमें प्रेरित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और कोई अपने घर का हो तो फिर भी अलग बात है कि अपने बच्चे बच्ची हो वो नहीं कर रहा हो तो उसको, बाकी अपने पुत्र पुत्रियों के अलावा बिना फालतू में किसी के ब्रोकर बनना, कुछ गड़बड़ होगी तो सब याद तुमको ही करेंगे, किसने करी थी ये, तुमने करी थी। व्रति ये काम नहीं कर सकता, यदि वो करेगा तो व्रति नहीं रहेगा, व्रत नष्ट होता ना उसमें, प्रमाद चले किसे कहते देखो, बिना प्रयोजन प्रमाद प्रवृत्ति, बिना प्रयोजन की प्रवृत्ति काया से चलना फिरना, पानी ढोलना, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, बिना मतलब खेती बाड़ी है, अपने घर के अंदर साफ सुथरा के लिए बगीचा लगाना, कितनी हिंसा होती है मालूम, एक इतनी सी जमीन खोदो आप पता चलेगा आपको कितनी हिंसा होती, मिट्टी जल मिट्टी को खोदना, पानी डालना, अच्छा पानी को छान के डालते पानी, उसके लिए से कितने जीव पैदा होते हैं, गिंडोले बढ़ते हैं, कितने असंख्या जीव की हिंसा होती है, आग लगाना, ये सब वनस्पति छेदन करने का प्रभाव चल, हिंसा दान हिंसा के कारण हथियार उपहार अलग आप यही है आपका अरे अभी क्या है, हम लोगों की वहाँ क्लास लगती थी छड़ाला की क्लास, तो छड़ाला की क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो एक महिला ने कहा कि अपनी तरफ से इनाम दे, ठीक है तीन ना तो इनाम नहीं पहले भी इतना बड़ा चक्कर, दूसरे वाले को छोटा चक्कर क्या तेरी क्या इच्छा है कि तीनों मिलके और टीचर को सही कर, क्या इच्छा है तुम्हारी, बुद्धि की बात है बस, सिखाया नहीं उनको किसी ने क्या है, बोले सस्ता नहीं था ऐसा यही कुछ महिलाओं की बुद्धि और क्या जाएगी, दिन भर वही काम करना, खोटा सुनना, शंगार आदि की कथाएं सुनना, अरे और भी कुछ भी जो चीज़ें ना, ये कथाएं स्त्री कथा राग कथा भोजन कथा चोर कथा देश कथा राष्ट्र कथा सब खोटी कथाएं सुनना, ये सब टाइम जाएगा दुष्कृति है, चारों ही स्त्री कथा स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा सुनना, देश की कथा सुनना, पॉलिटिकल कौन बना प्रधानमंत्री हो कौन राष्ट्रपति क्या हो गया इससे क्या लेना देना अपना, कौन राष्ट्रपति बन रहा है इससे अपना क्या सिद्धि होगी बता, कुछ अपन अपनी तरक्की करें उससे, जो जिसको करना हो कर तो बंद, हमारे यहाँ बात करने से वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम मिलके यहाँ 10 घंटे तक राजनीति की चर्चा भी करें तो उससे कुछ भी राजनीति में फर्क पड़ने वाला है क्या, हम उनकी निंदा भी करें सारे राजनेताओं की मिलके
लेकिन उससे कुछ भी जीवन उनके कुछ भी जीवन में उनके परिवर्तन आने वाला नहीं ना। हमने अपना समय जरूर खोया। मोबाइल से बात तो मोबाइल में खोटा सुनना, खोटा तो नहीं सुनते मोबाइल से, मोबाइल में तो है खोटा सुनते हैं मोबाइल में। नहीं तो मोबाइल पे जो है डू नॉट डिस्टर्ब वाला एक्टिवेट कर लो, उससे फोकट की कथा नहीं है। मोबाइल पे तो खैर मेरे को नहीं पता क्या करते हैं मोबाइल पे लोग, लेकिन कम से कम मेरा मोबाइल का यूज तो अच्छा ही है। बाकी यदि मोबाइल मतलब इसमें क्या व्यर्थ का, यदि घंटे भर उसमें लगा रहेगा आदमी तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, सीधी सी बात ही है। सबसे ज़्यादा समय आजकल उसमें खोटी करता और फिर पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ हो जाती है। बोलो आज पूरा दिन भर बैठा गया बीत गया, फ़ोन आ रहा था सर। एक्चुअली बच्चों को तो फ़ोन दे देनी चाहिए, जब तक वो इस कॉलेज में नहीं आए खुद कमाने में लग जाए तब तक नो फोन। शिक्षा व्रत ग्रस्त बने से जो मुनि बने की शिक्षा का अभ्यास कराते हैं, मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। चलो अपना समय अभी कल लेंगे अपने चार शिक्षा, ठीक है? कल सब लोग टाइम पे आ जाएंगे, कल अपन कर लेंगे चार शिक्षा। दिनवाणी स्तुति के लिए सब लोग पढ़े।